प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 15 से 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके संबंध में सीडीओ संजय कुमार मीणा ने बताया कि जितने अंत्योदय कार्ड धारक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना की सूची में चयनित लाभार्थी हैं, उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा। इस अभियान के अंतर्गत 1127 पंचायत सहायक हैं जिनकी आईडी बनी हुई है। उस आईडी के माध्यम से उनको गांव-गांव में जाकर जितने भी आयुष्मान से लाभार्थी छूटे हुए हैं उनका आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, ताकि अधिक से अधिक जनता को आयुष्मान कार्ड से लाभान्वित भी कर सकें। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड से लाभार्थी को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। जितने भी आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी और जो पंचायत सहायक हैं, वह ज्यादा से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने में रुचि लें। उन्होंने कहा कि जितने भी पंचायत सहायक हैं उनको प्रति कार्ड 5 रुपए का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीणा ने कहा, शासन द्वारा एक 15 दिवस का आयुष्मान पखवाड़ा एक अभियान लॉन्च किया गया है, जिसमें जितने भी हमारे ऐसे व्यक्ति हैं जो 2011 की सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में जिनका नाम था, या जो अंत्योदय कार्ड जिनके पास है, उनका हम गोल्डन कार्ड या आयुष्मान कार्ड बनवाना है। इसके लिए इस अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने जितने हमारे पंचायत सहायक हैं, लगभग 1127 पंचायत सहायक हैं जिनकी आईडी बनी हुई है, उस आईडी के माध्यम से उनको गांव-गांव जाकर जिस ग्राम पंचायत में वो तैनात हैं उस गांव में जितने भी लाभार्थी हमारे छूट गए हैं, चाहे वो 2011 की सूची में नाम हो या उनके पास हमारा अंत्योदय कार्ड हो, उनका आयुष्मान कार्ड बनवाना है, ताकि अधिक से अधिक जनता को हम इसे लाभान्वित कर सकें। और इसमें जैसे आप सभी जानते हैं कि 5 लाख तक का इलाज जो है व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट जो इम्पैनल हॉस्पिटल है उनके माध्यम से मिल जाता है। तो आप लोगों से भी ये अपील रहेगी और गोरखपुर के सभी देश जो हमारी जनता है जो इस योजना से अभी भी छूटी हुई है, कि आप अपने पंचायत सहायक के माध्यम से इस योजना का लाभ उठाते हुए गोल्डन कार्ड अवश्य बनवाएं। ये अभी कैंप पूर्व में कई लगाए गए लेकिन उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिला, इसलिए अभियान के तौर पर ये किया जा रहा है कि जितने भी हमारे फील्ड लेवल ऑफिसर्स हैं, जो हमारे आशा है, एएनएम है, आंगनवाड़ी है और जो हमारे पंचायत सहायक हैं, वो इस अभियान में रुचि लें और जितने हमारे लाभार्थी छूट गए हैं उन सभी को जागरूक करते हुए, उन सभी को बताते हुए और गांव में ही उनका आयुष्मान कार्ड बन जाए, ताकि उन्हें कहीं पर भी, चाहे जिला अस्पताल हो चाहे CAC हो, वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े। और इसके लिए जो हमारे पंचायत सहायक हैं उनको प्रति कार्ड 5 रुपये का अनुदान भी सरकार द्वारा दिया जाएगा।